हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जन्नत। और आज बनाते हैं जन्नत में हम लोग किचन वेसी कंपोस्ट। अभी आपको हम दिखाते हैं कि इस विंटर्स में हमारे टेरेस पे क्या व्यू था। और इस समय जो मई का महीना है, स्कॉर्चिंग हीट है, टेम्परेचर 45 प्लस है, और इस समय हमारे टेरेस पर जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से मेंटेन्ड है वो भी आपको दिखाते हैं। और जाड़ों और गर्मियों के इन प्लांट्स के बीच में जो कॉमन चीज़ है वो हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो हमारे घर में किचन से वेस्ट निकलता है उसको यूज़ करते हुए बहुत बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही, बहुत न्यूट्रिशियस भी है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। हमारा एक एटीट्यूड बनता है इस तरीके से कि हम किस तरीके से वेस्ट चीज़ों को फिर से रिसाइकल करके उसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इन ऑल जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनता है, ये सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट ही नहीं है बल्कि साथ में हमारा एटीट्यूड, हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इन सब को बहुत अच्छे से बताता है। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना खाली एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन जाता है धीरे धीरे। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हमारे किचन में वेस्ट रोज निकलेगा, हमेशा निकलेगा, और हमारे प्लांट्स भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो अगर ये एक साइकिल बन जाता है कि हमारे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स और जो भी किचन वेस्ट निकल रहा है उससे हम एक फर्टिलाइज़र बना करके अपने प्लांट्स में देते जाएं, तो ये जो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रहा है ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो किसी भी प्रोसेस को अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो समझ में आए, हम उसे कन्विंस हों। तो कन्विंस करने के लिए हम आपको चाह रहे हैं कि आप इसके पहले रिजल्ट्स देखें। रिजल्ट्स देखने के बाद हम जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि भाई जब और लोग कर रहे हैं, रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो पहले आपको इसके हम रिजल्ट्स दिखाते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं कि हमारे घर में इस समय टेरेस पर हम किस किन पॉट्स में, किस तरह के कंटेनर्स में इनको हम बना रहे हैं। और क्योंकि हम वर्किंग हैं और हम उसके साथ भी कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। तो इसके हम इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, किन कंटेनर्स में हम बना रहे हैं, इसको प्रोसेसिंग के बाद किस टेक्सचर के निकल रही है। तो कुछ चीज़ों को हम देखते हैं इस वीडियो में और अगले वीडियोस में देखते हैं कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए आपको हार्डली 5 से 10 मिनट रोज निकालने पड़ेंगे। और ये 5 से 10 मिनट बहुत ही स्मूथली तभी निकल पाएंगे जब हम इसके लिए कन्विंस होंगे। इसके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड और धरातल तैयार करके रखेंगे। तो इस वीडियो में हम इसीलिए आपसे वही पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद एक्सप्लोर करे हैं। हमारा जो भी मटेरियल है उससे कोई स्मेल ना आए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना पड़े, वो बहुत सॉगी ना हो, बहुत ड्राई होकर के बेकार भी ना हो जाए, और किस तरीके से उसको हम एक्टिवेटेड रख सकते हैं, किस तरीके से उस साइकिल को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो वही कुछ क्विक टिप्स आपको देंगे इस वीडियोस में। और बनाते चलेंगे साथ में ये मैन्योर, बहुत ही काम का मैन्योर है ये, और क्योंकि हमारे घर से ही निकल रहा है, रिसाइकल्ड है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। फ़ायदे इसके ढेरों हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएंगे। और ये थोड़ा सा हैक्टिक नहीं करेगा हमारी लाइफ स्टाइल को अगर हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के एक सिस्टम से काम करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, वो अपने घर के जो भी वेस्ट निकलता है इस तरीके का उसको वो रिसाइकिल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अप्रेंशंस होते हैं जैसे कि हम जो मटेरियल लेंगे वो बहुत सॉगी ना हो जाए, उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, और हम उसको साइकिल को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हाइजीनिक है कि नहीं है, हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है कि अलग से एक हम बिन मेंटेन कर सकें। तो इस तरह के अप्रेंशंस बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं
तो ये अप्रेंशंस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमें किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए एक मेंटल अपने आप को तैयार करने के बाद इस बात को समझना है कि हमें मटेरियल में ड्राइनेस और वेटनेस को मेंटेन करना है। ड्राई यानी कि सूखा कूड़ा, जिससे हमारा ब्राउन पार्ट बनेगा, और ग्रीन पार्ट, उससे हमारा इसका वेट पार्ट बनेगा। तो अगर अपने हम मटेरियल में ग्रीन और ब्राउन्स यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन, इनका रेशियो मेंटेन कर पाते हैं, तो हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट बड़े ही आसानी से, आराम से बन सकता है। ये जो मैन्योर आप देख रहे हैं, जो हमारे टेरेस पर बना है, ये मैन्योर का मटेरियल हमने फरवरी तक का इन बिन्स में कलेक्ट कर लिया था, और लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद ये इस फाइनल टेक्सचर का मैन्योर हमें मिल जाता है। लगभग हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स लिए जा सकते हैं। चाय की पत्ती को यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश करके, ताकि उसमें मिल्क और शुगर के कंटेंट्स ना रह जाएं, उसको ले सकते हैं। अंडे के छिलके ले सकते हैं, पूजा के बाद जो फूल बच जाते हैं उन्हें ले सकते हैं, और साथ में आपके गार्डन से जो भी कागज निकलता है, सूखे मुरझाए फूल, पत्तियाँ, कटिंग्स, उन सबको आप ले सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे कि किनको हम अच्छे से ले सकते हैं और किन चीज़ों को हम अपने किचन से बिल्कुल नहीं ले सकते। और आइए अब देखते हैं कि हमारे घर की टेरेस पर हम किस तरह के कंटेनर्स में इस किचन वेस्ट से मैन्योर को बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये एक बड़ा सा घड़ा। ये एक मिट्टी का बहुत बड़ा सा घड़ा है, जिसके बेस में हमने होल्स कर रखे हैं। मिट्टी के घड़े में होल करने के लिए उसको आप 4-5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखिए, और उसके बाद किसी भी स्क्रू ड्राइवर से हल्का हल्का स्क्रैच करते हुए बड़े आराम से उसमें होल हो जाते हैं। तो हमने इसके बॉटम में 8-10 होल्स कर रखे हैं। होल्स के नीचे हमने एक प्लेट रखी हुई है, जिससे कि जो भी इसमें से कोई वेस्ट निकलता है लिक्विड फॉर्म का, वो उसमें कलेक्ट हो सके। वैसे हमने ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घड़े के केस में लिक्विड कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि सारा जो भी निकलता है लिक्विड उसका, वो सब उसी मैन्योर में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि मिट्टी का घड़ा है, इसलिए इसकी वॉल्स काफ़ी पोरस रहती हैं, एयर सर्कुलेशन रहता है, और इसलिए इसके अंदर माइक्रोब्स अच्छे से एक्टिव रहते हैं। तो ये मिट्टी का घड़ा बहुत अच्छा एक उपाय है हमारे लिए किचन वेस्ट से मैन्योर बनाने के लिए। तो अभी इसमें प्रोसेस चल रहा है, इसमें हम हर 2-3 दिन के बाद जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको उसमें हम डाल देते हैं। वो वेस्ट कुछ दिनों के बाद सूख जाता है थोड़ा सा, और इसमें और स्पेस बना देता है, हम फिर से भर देते हैं उसको, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि घड़ा हमारा पूरा ना भर जाए। उसके बाद उसको हम 1.5 से 2 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, और बड़ा अच्छा सा मैन्योर हमारा यहाँ के अंदर तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी बिन में कोई कीड़े वगैरह नहीं है। और आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक के ड्रम में भी किचन वेस्ट से मैन्योर बना सकते हैं। ये एक 50 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम है, जिसमें ये मटेरियल से हम लोगों ने मैन्योर बनाया है, और ये मैन्योर काफ़ी अच्छे से टेक्सचर का है, अभी थोड़ा सा मॉइस्ट है, और इसको हम लोग शेड में सुखा करके स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें जो मटेरियल भरा गया था वो मार्च की मिड तक भरा गया था। विंटर्स में थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं हमें मटेरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स, इसलिए बिन्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। और नीचे बॉटम में इसमें हमने होल किया हुआ है, जिससे जो लिक्विड निकलता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। वो लिक्विड भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसको हम डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, और उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, तो वापस भी इसमें डाल करके माइक्रोब्स को एक्टिव रख सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। और इस तरह के ड्रम्स आपको इजीली किसी भी ड्रम की शॉप्स पे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े होते हैं, तो इसमें हम बहुत दिनों तक का मटेरियल जो है स्टोर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे आसान कंटेनर की, जो इजीली हर घर में अवेलेबल रहते हैं, और ये है मिट्टी के गमले। आमतौर पर जाड़े की फ्लावरिंग के बाद हमारे पास कुछ गमले तो खाली हो ही जाते हैं, तो गर्मियों के लिए तो मिट्टी के गमले बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये कूल रहते हैं, तो इसके अंदर माइक्रोब्स अच्छे से एक्टिव रहते हैं।
और पॉट छोटे होने की वजह से इसको इजीली हैंडल भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कंपोस्ट कितने अच्छे टेक्सचर की तैयार हो रही है। ये इसमें सूखी पत्तियां हैं जो डिकम्पोज होकर की ह्यूमस बनाएंगी, और इसमें थोड़े से ये एक्शेल्स हैं। ये एक्शेल अभी पूरे डिकम्पोज नहीं हुए हैं, लेकिन धीमे धीमे डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, बट एक्शेल्स, मूंगफली के छिलके, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। बट एक्शेल्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कंपोस्ट के लिए, क्योंकि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे प्लांट्स ये कैल्शियम की कमी को ये बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इस किचन वेस्ट को डिकम्पोज होने में लगभग 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, और पूरा डिकम्पोज होने के बाद ये कुछ इस टेक्सचर का आता है। क्योंकि इसमें अलग अलग मटेरियल होता है तो कुछ जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और कुछ थोड़ा टाइम लेता है। इसको आप छान के भी रख सकते हैं, और अगर ना छानना चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप छान के यूज़ करते हैं तो छानने के बाद जो बड़े पार्टिकल्स बचते हैं उसको आप अपने नए वाले बैच में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स एक्टिव रहते हैं और ये हमारी फर्दर डिकम्पोजिशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किचन वेस्ट कंपोस्ट कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और ये सच में बहुत ही न्यूट्रिशियस है हमारे प्लांट्स के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इस प्रोसेस को और फास्ट कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।